नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज। पहले कबूल कबूल कबूल, उसके महज 5 घंटे में तलाक तलाक तलाक। जी हां, ऐसा ही एक घटनाक्रम बुलंदशहर से सामने आया, जहां बुलंदशहर के औरंगाबाद में शादी एक खाना आबादी में हुई, महज मामूली सी बात तलाक का सबब बन गई। दरअसल आपको बता दें कि औरंगाबाद निवासी युवती का दिल्ली के सीलमपुर निवासी युवक से 27 जनवरी को निकाह होना मुकर्रर हुआ था। तय वक्त पर बारात वधू पक्ष की तहलीज पर पहुंची, गर्मजोशी से सारी रस्में निभाई गईं और बारातियों के भोजन के बाद काजी ने दूल्हा दुल्हन का निकाह भी पढ़ा लिया। मगर इसके कुछ ही घंटों के बाद शादी की खुशियां उस वक्त रंज में तब्दील हो गईं, जब दूल्हे ने हाथों में मेहंदी लगाए बैठी दुल्हन को एक मामूल सी बात पर तलाक दे दिया। हुआ यूं कि बारात में दूल्हे के साथ आए कुछ दादी से वधू पक्ष के किसी, आपको बता दें चलें, किसी व्यक्ति ने कुछ देर के लिए कुर्सी मांग ली जिस पर बैठी हुई थी। इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि शादी के कुछ ही घंटों में तलाक की नौबत आ गई। बताया गया कि दादी से कुर्सी मांगने को वर पक्ष के लोगों ने घोर अपमान माना, जबकि इसी बात से खफा होकर दूल्हे से ने शादी तोड़ दी। वहीं जब वधू पक्ष को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मैरिज होम में अंदर से ताला जड़ते हुए दूल्हे समेत बारातियों को बंधक बना लिया। हालांकि दूल्हे पक्ष द्वारा शादी में हुए खर्च अदा करने की बात पर दोनों पक्षों में सहमति बनी और तलाक के बाद वापस बारात दिल्ली लौट सकी।